नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ। और आज आप देख रहे हैं शख्सियत, जिसमें हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने क्षेत्र में अपने कार्य से अपना परचम लहराया है। ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो है लखनऊ जू के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, जिन्होंने आज तक की जर्नी कैसे तय की है सीधे ही उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे साथ शख्सियत में आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आज हम हर बार शख्सियत में अपने जो शख्सियत हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी जो आज तक की जर्नी है वो किस तरीके से रही है। हम उसमें आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर, आपका जो स्कूलिंग टाइम था वो कैसा था? स्कूलिंग टाइम जो मेरा रहा है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिताजी वहाँ पोस्टेड थे जी। तो वहीं पर ज़्यादातर हमारा समय गुजरा, और करीब छोटी क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक सहारनपुर में ही रहा। और पिताजी जो है वो जूलॉजी के अध्यापक थे, लेक्चरार थे जी। तो जाहिर सी बात है कि जूलॉजी की तरफ थोड़ा सा रुझान, घर में भी वही बातें होती थी जूलॉजी की, और एक दिमाग में यह था कि कहीं डॉक्टर एक बनने का एक सपना और एक ख्वाब जो है वो पिताजी देखा करते थे जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट जैसे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट था। और जब ये हुआ कि अब जब इंटर कर लिया, उसके बाद ये हुआ कि अब आगे क्या करना है जी। तो ये हुआ जैसे और लड़के इंजीनियर और डॉक्टर, दो प्रोफेशन उस टाइम ज़्यादा फेमस थे, और थर्ड था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप चले जाइए। तो ये हुआ कि डॉक्टर बनना है, तो उसकी तैयारी वगैरह कर रहे थे जी। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई, छोटी सी बहुत बहुत मामूली सी घटना थी जीवन में जी। जिसने वेटनेरियन बनने के लिए मुझे जी। थोड़ा सा उकसाया और प्रेरित करा जी। कि मैं जो है वन्य जीवों का तो उस टाइम नहीं दिमाग में था, लेकिन जानवरों का मैं डॉक्टर या पशुओं का डॉक्टर मैं बनूं जी। हुआ कुछ ऐसा, बहुत छोटी सी घटना थी, और उसने जो है मेरा थोड़ा सा डाइवर्जन डॉक्टरी लाइन में ह्यूमन डॉक्टर से और वेटनेरियन की तरफ कर दिया। उसमें था कि एक छोटा भाई था मेरा, तो वो एक कहीं से एक छोटा सा कुत्ता पिल्ला पालने के लिए ले आया। अब वो पिल्ला लाया तो दो तीन दिन में, चार दिन में बीमार पड़ गया जी। और बीमार पड़ गया तो उसको डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ के जो वेटनेरियन थे उनको दिखाया वखाया उन लोगों को जी। और वो कुत्ता जो है एक दो दिन के बाद, मेरे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उसकी डेथ हो गई, बच गया, मर गया वो जी। तो मन में ऐसा लगा कि शायद बहुत ठीक से देखा नहीं गया है, या इसकी कैजुअलिटी, मतलब कैजुअल बहुत तरीके से इसको देखा गया है। तो दिमाग में ये आया और बड़ा अपसेट हुआ, मतलब वो अचानक पहली, एक तो हम लोग थोड़े से बहुत छोटी उम्र थी, इंटर में थे, इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हुए, परिवार हर्ट हुआ। तो दिमाग में आया कि, तो एक भाई साहब थे बगल में, वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे गाइड किया करते थे कि कैसे मेडिकल की तैयारी करनी है। तो अगले सुबह उनके पास गए तो उन्होंने कहा बड़े अपसेट दिख रहे हो, डॉक्टर विनोद कुमार करके हैं। तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, अब कुत्ता मर गया तो मतलब बड़ी, मतलब कॉमन घटना है सबके लिए कि घर में अगर पेट है तो मर जाता है जी। तो उन्होंने कहा तुम इतने दुखी हो रहे हो तो तुम इसके डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हो जी। तुम्हें इतना ही लग रहा है अगर कि उसकी ठीक से देखभाल नहीं हुई, डॉक्टरी ठीक से नहीं हुई, डॉक्टर ने ठीक से नहीं देखा जी। तो मुझे नहीं मालूम था कि इसकी तैयारी होती है उस तरह से पढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक पंतनगर यूनिवर्सिटी है और एक मथुरा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसके फॉर्म्स वो भी निकलने वाले हैं, वो तुमको हम भरवा देते हैं, उसकी तैयारी करो और बनो डॉक्टर ही बनो, तुम बहुत बड़े जी। इतना ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हो रही इस चीज़ से जी। तो पहला वो मोड़ था कि दिमाग में वेटनेरियन की कहीं एक, उन्होंने दिखाया कि एक वेटनेरी की प्रोफेशन भी होता है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं जी। लेकिन बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं थे तब भी जी। उस तरह से, क्योंकि अचानक एक लाइन चेंज करके आप जा रहे हैं, और भगवान की दया से उसमें हुआ कि किस्मत थी कि उसमें सिलेक्शन भी हो गया पंतनगर यूनिवर्सिटी में जी। पंतनगर यूनिवर्सिटी चले गए, उस टाइम वाइल्ड लाइफ का कहीं कोई सिनेरियो दिमाग में नहीं था जी। जब वहाँ पढ़ रहे थे थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, यहाँ पर डॉक्टर रामकृष्ण दास हुआ करते थे मेरे से पहले जी। बहुत फेमस डॉक्टर थे जी। तो उनके बारे में कहानियाँ लोग सुनाते थे और बताते थे कि डॉक्टर साहब जो है वो वहाँ पर टाइगर का इलाज करते हैं और लेपर्ड का इलाज करते हैं, और उनकी कहानियाँ सुना करते थे जी। तो मन में कहीं आया कि डॉक्टर साहब से मिला जाए, देखा जाए क्या होते हैं जी। और थोड़ा बहुत आप देखिए कि कोई भी अगर आदमी है तो उसे वाइल्ड लाइफ से कहीं ना कहीं रुझान होता ही है उसको। बहुत कम लोग होंगे कि वो टाइगर, एलिफेंट या इस तरह की चिड़िया देख कर उनको खुशी ना होती हो जी। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के प्रति, मैंने तो आज तक ये देखा कि
100% तो नहीं लेकिन 99% लोगों का रुझान होता है और एक उसके बारे में जानना चाहती है पब्लिक जनता। तो जब मेरी हाउस जॉब और इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ पन्नगर से मैं तो लखनऊ आया जब मैं तो डॉक्टर साहब से मिला मैं, मुझे लगा कि तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ कि वाइल्ड लाइफ में मैं काम करूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है यहाँ आ जाओ मेरे साथ काम करना, इंटर्नशिप हाउस जॉब चल ही रहा था मेरा। तब से एक सिलसिला जो है, जो एक होता है नहीं कि आप किसी से प्रेरित होते हैं और एक आपको देख के होता है कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, इस तरह से काम करना है, तो वो डॉक्टर रामकृष्ण दास पहले आदमी थे जिनको मुझे देख के लगा कि नहीं यार ये जॉब तो बहुत अच्छा है। जबकि उस टाइम वाइल्ड लाइफ जो है कैरियर नहीं बनाते थे वेटरनेरियन, आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि इसी के लिए, इसी को कैरियर ओरिएंटेड जॉब नहीं था कभी भी। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि सुबह तुम आ जाया करो, और उनके साथ फिर वो मज़ा आया काम करने में और वो करीब 2-2.5 साल का पीरियड था और उन्होंने हमको जितना हो सकता था, जितना मेरे में, जितनी मेरे में क्षमता थी या जितना वो सिखा सकते थे उतना मैंने उनसे सीखने की कोशिश करी। और मैं, मुझे कहीं मन नहीं लगा, मुझे मेरा फिर भी वाइल्ड लाइफ में थोड़ा सा मन लगने लगा और जो है उनके साथ रह के जितना सीख पाया मैं। अचानक इसी दौरान जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो डॉक्टर साहब की यहीं पर ट्रीटमेंट करते हुए डेथ हो गई। एक गेंडा था यहाँ पर लोहित करके, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसमें उसने उनको मार दिया, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्योंकि मैं यहाँ 2-2.5 साल से काम कर रहा था तो यहाँ पर फिर सरकार ने, शासन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुझे संविदा पे जिसे कहते हैं काम करने का मौका मुझे फिर दिया यहाँ पर। तो मैंने 2-2.5 साल फिर यहाँ पर काम करा, उसके बाद मेरा UPSC में सिलेक्शन हो गया और फिर मुझे यहीं पर रेगुलराइज यहीं पर कर दिया गया इसी जॉब में। और मुझे जो है कम से कम आज जो है मैं 93-94 की आपको ये बात बता रहा हूँ और आज मेरे ख्याल 26-27 साल इस बात को हो गए। तो पूरा जीवन जो था ये बनना मैंने ऐसी चाह की, क्योंकि डॉक्टर साहब एक जो है बहुत बड़ी शख्सियत थे और जिसे कहते हैं ना सूफियाना लहजे में एक वो काम करते थे, उनको कोई उसके बदले में कुछ लेना नहीं था उनको। तो उसी तर्ज पे जो डॉक्टर साहब ने सिखाया था वन्य जीव को जो समझने का एक उन्होंने कौशल दिया, सिखाया मुझे, वो मुझे थोड़ा बहुत जितना सीख पाया और कोशिश करी कि मैं उनके जो बताया उन्होंने रास्ता बताया है वाइल्ड लाइफ में काम करने का, ये उनकी जो एक विधा थी काम करने की उस पर मैं काम करता रहूं। और आज भी कोशिश जारी रहे मेरी। ये तो छोटी सी एक मैंने आपको यहाँ तक कैसे पहुंचा उसकी मैं छोटा सा ब्रीफ आपको बताया। जी बहुत अच्छा है कि आपने एक छोटे से ब्रीफ में आपने हमें काफी कुछ हद तक आपकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक आप कैसे आए। सर ये था कि आप मतलब आपने एक स्टार्टिंग में बताया कि आप जैसे डॉक्टर और इंजीनियर की एक कोड़ सी लगी हुई थी और डॉक्टर और इंजीनियर ही उस टाइम पे ज़्यादा प्रचलित थे कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बन रहा है, उसके अलावा हमें कोई भी और करियर नहीं पता था। आपने डॉक्टरेट स्टार्ट किया था लेकिन जब आपने एकदम से डॉक्टरेट बनने का जो भी है तो वाइल्ड लाइफ की तरफ जैसे टर्न किया तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि अचानक से, क्योंकि ये एक अलग ही टाइप का है, क्योंकि आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अलग अलग आ चुके हैं, तो आज की डेट में भी अगर हम ऐसा कुछ चूज करते हैं तो पेरेंट्स हमें कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी और इन सब चीज़ों पे कोई भी फोकस नहीं करता था, तब उस टाइम पे आपने जब ये चीज़ चूज किया तब आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, उन्होंने क्या कहा? देखिए वेटनेरियन बनने के लिए तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था किसी भी तरीके से। जब मैंने पन्नगर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके जब मैंने उसको वाइल्ड लाइफ में जब डॉक्टर दास के साथ काम करा और अचानक ही डॉक्टर साहब की डेथ भी हो जाती है उसी इंसिडेंट्स में, तब कहीं थोड़ा सा पेरेंट्स जो है वो हेजिटेट कर रहे थे कि ये खतरनाक जगह है काम करने की और तुमको जो है यहाँ नहीं काम करना चाहिए, ऐसा पिताजी ने एक दो बार अपनी इच्छा जताई। लेकिन उस टाइम जो दूसरी बात है, ये लखनऊ जू एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट में काम कर रहा है, करता है, ट्रस्ट की तरह काम करता है। और मेरा UPSC में पशुपालन में सिलेक्शन हुआ था तो ये सबका कहना था कि ट्रस्ट में मत काम करो भाई, ट्रस्ट तो एक प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए आप और UPSC जो है एक सरकारी संस्था है जहाँ पर आप काम करेंगे। लेकिन उन दिनों को मैं जब याद करता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो वो एक जैसे जुनून नहीं आदमी के दिमाग में हावी हो जाता है, इस सोते उठते बैठते मेरे दिमाग में ही होता था कि मुझे किसी तरह ये यहीं काम करना है, यहाँ से हटना नहीं है।
और मैं बड़ा दुखी हो जाता था अगर मुझे जरा भी एहसास होता था कि यहाँ काम करने का, शायद कभी कभी होता था ऐसा लगता था कि अब यहाँ से हट जाएंगे, अब हम यूपीएससी चले जाएंगे, अब यहाँ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो पेरेंट्स का कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन था कि ऐसी उनको लगता था, इस वजह से लगता था वाइल्ड लाइफ में कि बड़ा खतरनाक टाइप का काम है और यहाँ नहीं आना चाहिए जी। तो थोड़ा सा लगा, लेकिन जब यहाँ आया मैं, काम करा मैंने जी। तो उसके बाद जब एक काम करने का एक तरीका था कि सुबह उठ गए और रात दिन काम करा और जानवरों के साथ काम करा जी। उसके साथ जो रिकॉग्निशन थोड़ा सा मिलना चालू हुआ और काम करने का मुझे मौका बहुत मिला वाइल्ड लाइफ में। सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि शुरुआत में बहुत कम वेटनेरियन थे जो कैरियर अपना इसी में बनाना चाहते थे। अब तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं, जूज में काम कर रहे हैं, नेशनल पार्क में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप 93-94 की बात करें तो शायद ही एक आध वेटनेरियन होंगे, यूपी में तो नहीं था कोई भी। तो लेकिन जब हमारे जो पेरेंट्स थे उनको लगा कि नहीं, इसको लड़के को अच्छा लग रहा है काम करना, और थोड़ा सा उनको जब यहाँ पर सेटअप देखा, जू का देखा, वाइल्ड लाइफ का देखा, तो उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं, इतना खतरनाक काम नहीं है जितना हम समझ रहे थे इसको, और इतना बुरा जॉब भी नहीं है। तो धीरे धीरे उनको फिर धीरे धीरे उस काम पे, जब 5-6 साल मुझे काम करते हुए हो गए, तो धीरे धीरे उनको कहीं पर थोड़ा सा गौरव भी महसूस हुआ कि बढ़िया जगह लड़का काम कर रहा है और ठीक काम कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो कंपनसेट कर गई कहीं पर आके जो मेरा काम था। तो वो कभी फिर वो फिर जैसे फिर फैमिली हुई, शादी हुई, तो उन्होंने कभी मेरे काम में कोई भी रेस्क्यू या और काम में कभी किसी ने, पेरेंट्स ने या मेरे भाइयों ने कभी कोई हेजिटेशन नहीं, बल्कि प्रोत्साहित ही करा, क्योंकि दो दो तीन तीन महीने जंगल में रहना है, मान लिया रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ पर भी मान लिया कोई जानवर बीमार हो गया तो इंक्लोजर में ही अपना सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, घर ही नहीं आ रहे जब तक जानवर नहीं ठीक हो जा रहा है। तो जो एक काम करने का जो एक ढंग था अलग सा मेरा, जो अभी भी है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, फिर स्वीकार कर लिया और उसमें सहायता करी जी। मैं तो ये कहूँगा, पहले तो थोड़ा हेजिटेट करते थे, लेकिन बाद में होते होते उनको लगा कि नहीं, और उन्होंने काफ़ी हम मेरे साथ जो है सहयोग करा और सबका सहयोग रहा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी काम करने की बहुत मिली, इतनी ज़्यादा मिलती नहीं किसी को, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जहाँ पर भी मैं गया, जिसने भी मैंने जिसके साथ भी काम करा, तो बाधाएं बहुत कम रहीं, सबने बहुत सहयोग से मेरे साथ काम करा, तो फैमिली और सबका बहुत सहयोग रहा। तो जो आप पेरेंट्स की बात बता रही हैं कि उनका थोड़ा सा हेजिटेशन था पहले, लेकिन वो फिर रिमूव हो गया, बाद में चला गया जी। जी, तो आपने भी, जैसे हम अभी आपके फैमिली की बात कर रहे थे सर, अगर हम बात करें, जैसे अब आपने अपने शादी की बात की थी, तो उसमें जब होता है कि एक बायोडाटा जाता है, उस बायोडाटा में क्वालिफिकेशन और सारा आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस टाइम पे आपकी जो, जब लिखा गया कि आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन, मतलब ये क्या किया रही, कौन सा काम नहीं, कर रहे हैं? इसमें खास बात ये रही कि मेरी वाइल्ड लाइफ में आने से पहले ही शादी हो गई थी जी। तो जब मैंने डिग्री ली जी, तब मैं वेटनेरियन था, सिंपल वेटनेरियन था जी। और बाद का डेवलपमेंट बाद ही में हुआ सारा जी, जितना जी। तो जब मतलब जहाँ पर मेरी शादी हुई थी, तो उन्होंने मुझे एज ए वेटनेरियन ही एक्सेप्ट किया उन्होंने। मैं वाइल्ड लाइफ में तब तक नहीं आया था, काम नहीं करता था जी। तो उससे पहले शादी हो गई थी, तो वाइल्ड लाइफ का क्राइटेरिया तो बाद में आया। और जो हमारा फादर इन लॉ वगैरह था, उनको भी थोड़ा सा हेजिटेशन शुरुआत में था कि उनको हमेशा खतरा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे से पहले हो सकता है जो डॉक्टर साहब थे उनकी डेथ हो गई थी जी। या वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा वो जानकारी नहीं रखते थे जी। तो उनको शेर, चीते, ये वो, उनसे बड़ा ऐसा रखता था कि पता नहीं कहाँ, ऐसा लगता था कि जैसे मैं शेर के मतलब ऊपर ही चढ़ के उसका इलाज करूंगा या उसको पकड़ लूंगा अपने हाथ से। तो उनको बहुत मिथ थे उनके बारे में, जबकि ऐसा थोड़ी ना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो हर जगह बहुत सारे हजार्ड्स हैं, हर प्रोफेशन में जी। आप इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए, आप हवाई जहाज में उड़ते हैं, 100 बार उड़ते हैं, तो वो भी तो एक रिस्क है। आप इतनी लंबी यात्राएं करते हैं, मेरे ख्याल सबसे एक्सीडेंटल डेथ सारी सबसे ज़्यादा होती हैं, और हम भी फिर भी चलते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक की डेथ हो गई, तो वो धीरे धीरे उनको विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो दूसरे पक्ष था उसको भी विश्वास हुआ कि नहीं, ये सेफ है, जैसे आम दूसरे तरह के जॉब होते हैं वो उस तरह के जॉब है। और वहीं से फिर उन लोगों ने बैकअप भी बहुत अच्छा सबने मिल के दिया मुझे कि आप काम करें, जैसे बच्चा छोटा था, छोटी बिटिया थी, और आप चले गए 3 महीने के लिए बाहर, तो जाहिर सी बात है नाराजगी होनी चाहिए, उलझन होनी चाहिए। तो वो इस तरह का माहौल कभी रहा नहीं, और काम करने का जो है
मौका लगता रहा और इन लोगों ने बहुत ही मतलब प्रोत्साहित किया, मैं कहूँगा सबने मिलकर एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था कि बायोडाटा मेरा गया तो वहाँ से ये सोचा गया कि वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा है या नहीं। तो उस टाइम में सिंपल वेटनेरियन था, ये डेवलपमेंट बाद में हुआ था। अच्छा, आपके बच्चों ने भी जब आपने जाना कि बच्चे मतलब कि पापा ऐसे काम करते हैं तब उन लोगों को कैसा लगता था कि मतलब आप जिस दिन कहे, क्योंकि आपने कहीं रेस्क्यू भी किए हैं तो उस टाइम पे जाते थे? देखिए, जो बच्चे पैदा हुए वो जू के अंदर ही हुए सारे। सारे क्या, एक बिटिया है वो पैदा हुई तो शुरुआत से, जब वो छोटी थी 2.5-3 साल की तब से वो टाइगर लाइन और ये सब शुरुआत से देख रही है, तो वो उसी के बीच पली बढ़ी, उसी जू के माहौल में पड़ी। कीपर से इंटरेक्शन था उसका, या हमारे जो एनिमल माल्या ट्रीटमेंट के लिए कोई आया तो वो देखता चला आया, वो देखने चली आती थी। कई बार ऐसा हुआ कि रेस्क्यू पे निकल गए और लौट के कहानी सुना रहे थे। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो वो बड़ी नॉर्मली उसने बिहेव करा उस चीज़ को लेके कि ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है। हाँ, कहानियाँ सुनती थी क्योंकि रेस्क्यू की और इस तरह की कहानियाँ, जैसे आज मान लिया कोई लेपर्ड बीमार हो गया, हमें शाम को घर गया तो जाहिर सी बात है कि क्या बात होगी, 8 बज गए तो मैंने कहा एक लेपर्ड है, रोजी है, वो बीमार हो गई, उसका आज ट्रीटमेंट करा हमने, ब्लड लिया, ये लिया, तो सब बड़े इंटरेस्टिंग उससे सुनते थे कि अच्छा क्या हुआ, मतलब कैसे इलाज करा, क्या हुआ। और कोई डेथ जैसे हो जाती थी तो परिवार भी उतना ही उदास हो जाता था। जैसे मालिया फादर मदर आए हैं और मैंने माया शाम को मैंने कहा कि क्या बताएं, एक कैजुअल्टी हो गई आज, उसको बचाने की कोशिश करी, मर गई, तो वो भी बड़े खिन्न से रहते थे। मतलब उन लोगों ने भी एक तरह से जीना जो है स्टार्ट कर दिया था, जो लाइफ थी जू की उसमें कहीं ना कहीं वो अटैच हो गए जाके। और एक जो फैमिली थी या जो बिटिया थी या बच्चा जो है वो भी उसमें आगे धीरे धीरे उसी की रो में आगे चलता रहा, बढ़ता रहा और उसी सेटअप में बढ़ा, तो उसको कभी एबनॉर्मल चीज़ें नहीं लगी कि पापा रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, हाथी पकड़ रहे हैं या शेर, तो कभी इस तरह का कोई मुझे नहीं लगा कि उसको डर लगा हो या कभी उसने रोका इस काम के लिए, नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आपने कई सारे सर रेस्क्यू किए हैं जिसमें जैसे कई गांवों में अगर कोई चीता निकल आया है या राइनोसॉर्स हैं या कुछ और भी एलिफेंट हैं, ऐसे आपने कई रेस्क्यू किए हैं, वो रेस्क्यू आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स होती हैं? देखिए, जू में तो एज ए वेटनेरियन में आया था और जू का जॉब जो था वो बेसिकली यहाँ का ट्रीटमेंट करना था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके देखा कि एक इमोबिलाइजेशन ट्रैंकुलाइजेशन एक यूनिट होती है हम लोगों के पास, जिससे हम ट्रैंकुलाइज करते हैं, जानवर बेहोश हो जाता है और बेहोश करके फिर हम उसको जो है शिफ्ट कर सकते दूसरी जगह, तो उस टाइम रेस्क्यू जो था वो बेसिकली पिंजरा विंजरा लगा के करते थे। पिंजरा लगाया हम लोगों ने, उसमें जानवर फंसाया या कोई दूसरे मेथड इस्तेमाल करे ट्रैंकुलाइज करके, गन से मेडिसिन को डार्ट करने का बहुत ही कम, 92-93 की मैं बात बता रहा, बहुत ही कम केसेस थे करने के लिए। मैं जब यहाँ आया तो डॉक्टर दास ने मुझे ट्रैंकुलाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया कि किस तरह से होता है ट्रैंकुलाइजेशन, तो मेरे दिमाग में आया कि जब हम अगर एनिमल पकड़ने जा रहे हैं तो अगर उसको हम बेहोश करें, और बेहोश करने की मेथड्स भी थे, बाहर होता भी था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करी, तो ये सिलसिला जो है 96-97 से स्टार्ट हुआ करने का। और ये हुआ कि इस प्रोसीजर को अगर हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं और पकड़ लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, केमिकल इमोबिलाइजेशन जो होता है कि आप बेहोश कर दें किसी जानवर को। तो उसके लिए शुरुआत में क्या हुआ कि कोई मेरे पास ऐसी गाइडलाइन नहीं थी उस टाइम कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन हो कहीं पर। कुछ किताबें थी पुरानी, मिली थी पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें एज ए उसमें ट्रैंकुलाइजेशन का तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है कि मेडिकली की कैसे आप ड्रग काम करती है, कैसे गन काम करती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन आज भी बहुत कम जगह, अगर आप बुक उठाएं तो बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि ये हर रेस्क्यू एक अलग तरीका होता है, हर जानवर अलग बिहेव करता है, हर जानवर का एक मेथड अलग है पकड़ने का। तो ओवरऑल फिर भी जैसे आपने पूछने की किस तरह से आप ऑपरेशन को करते हैं, तो सबसे पहले अगर मान लिया कि मैं बैठे हुए हैं और कोई फ़ोन आता है चीफ अला वार्डन का या किसी डीएफओ का कि फलानी जगह एक लेपर्ड प्रॉब्लम कर रहा है या टाइगर प्रॉब्लम कर रहा है, या तो सबसे पहले तो टाइगर या जो भी एनिमल है उसको हम लोकलाइज करते हैं। लोकलाइज का मतलब उसको एक जगह देखेंगे कि वो रह कहाँ रहा है जी। क्योंकि फिजिकली जब तक उसको हमको फिजिकली देखना है उसको जी। हमको ये नहीं कि 10 किलोमीटर दूर है या 500 मीटर दूर है, हमको तो सामने देखना। तो सबसे पहले उस जानवर की पोजीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तो बहुत सारे मेथड हो गए शुरुआत में, तो अब तो GPS है हमारे पास, ड्रोन है, कैमरा ट्रैप्स हैं, तो खट से उसकी हम फोटो निकाल लेते हैं, उसको देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं जाके।
शुरुआत में पैदल पैदल चलते थे, तो उसके पीछे पीछे चलते थे, उसको ढूंढते थे जंगल में जा रहे हैं, उसके पगमार्क जो होते थे, पंजों के निशान जो होते थे, उससे ढूंढते थे आगे जाके। तो बहुत टाइम लगता था और मेहनत बहुत लगती थी, और उस जानवर को आइडेंटिफाई करने में आप ही सोच लिए महीनों महीनों लग जाते थे कि ये जानवर है कि नहीं। आज की डेट में क्या है कि आप कैमरा ट्रैप लगा लिए, ड्रोन से है, फिल्म बना लीजिए, सब तरीके से कई कैमरे लगा दीजिए, तो आपको पता लग जाता है पोजीशन क्या है। तो अगर जानवर सबसे पहले अगर लोकलाइज हो गया है तो आपको वहाँ पर पहुँच के जैसे मचान बांधते थे, हाथी मंगाते थे, गाड़ियों से उसको सर्च करते थे और फिजिकली उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हम कि वो फिजिकली हमारी गन पॉइंट पे आए जी। तभी तो आप उसको भाई आपको इंजेक्शन देना है, सिंपल जी, है जी। और वो तभी दे पाएंगे जब वो सामने आपके आएगा जी। इस बीच हमको ख्याल रखना होता है कि सारे जो इक्विपमेंट हमारे प्रॉपर हों, जैसे उसको ट्रैंगुलाइज करने के बाद हमारे पास 45 मिनट या 40 मिनट रहते हैं जी। उसको रिवाइव करने के लिए या उसको बैक लाने के लिए, तो उस बीच हमारे व्हीकल कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे पिंजरा कंप्लीट होना चाहिए, गांव वालों को भी कंट्रोल में रखना है तो पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन आपके बिल्कुल आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए कि जब हम ट्रैंगुलाइज करेंगे, क्योंकि तीन फेज हो गए, एक तो प्री ट्रैंगुलाइजेशन हो गया जी। प्री रेस्क्यू आप मान लीजिए इसे, तो आप गए, आपने पूरा वो खेत है, खलिहान है, जंगल है, गाँव है, वो पूरा आपने ट्रेस आउट किया, फिर आपका ऑपरेशन हो गया जो आप कर रहे हैं ऑपरेशन, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है कि जानवर को उठाना है हमको, उसको केज के अंदर डालना है और उसको जो है हमको फिर रिवाइव भी करना है जी। और फिर इसका डेस्टिनेशन क्या होगा जी। ये भी क्लियर होना है जी। कि हमने मान लिया टाइगर पकड़ लिया जी। अब टाइगर को हाईवे में लेके तो खड़े नहीं हो सकते हम लोग जी। जी। तो हमें उसी टाइम ये डिसाइड करना है कि ये टाइगर इंजर्ड है जी। इसको जू पहुँचाना है या ये जानवर बिल्कुल स्वस्थ है, इसको हमको जंगल में फिर से छोड़ देना है, कहाँ छोड़ना है, दुधवा में छोड़ना है, पीलीभीत में छोड़ना है या किसी और जगह छोड़ना है। तो ये उसी टाइम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सब चल रहा होता है और हमको ये उसी टाइम प्लान कर लेते हैं चीफ एला वार्डन PCCA वाइल्ड लाइफ से मिलके, या DFO साहब बात कर रहे हैं, कंजर्वेटर साहब बात कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति क्या करना है। तो वो जब तक उस जानवर को आप जू में या किसी सेफ जंगल में जब तक छोड़ नहीं देते हैं और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग जू में जैसे लिया है तब भी आपको मॉनिटरिंग करनी है, उसका इलाज करना है जी। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता या जब तक उसकी मॉनिटरिंग जंगल में होती कि अडॉप्ट नहीं कर गया जी। तब जाके वो ऑपरेशन आपका पूरा समझा जाता जी। है जी। उससे पहले आप ये ऑपरेशन पूरा, तो आपका ट्रेस एनिमल को ट्रेस करने से और एनिमल को रिलीज करने तक का जो पूरा एक है वो आपका कुछ घंटों में भी हो सकता है और कुछ महीने भी लग सकते हैं, बहुत लंबा ऑपरेशन होता है। डॉक्टर, आपने ट्रैंकुलाइजेशन की बात की है तो उसमें यह है कि आप एक डॉक्टर हैं राइट, और उसमें यह है कि ट्रैंकुलाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी एक शूटिंग आप गन से ही आप उनको यह है कि उनको बेहोश करना है तो वो करते हैं, तो उसके लिए भी क्या आपको प्रॉपर पहले कोई ट्रेनिंग दिया गया था? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे जो भी हम जिसको रेस्क्यू करने गए हैं तो हमारे पास में ही हो, ऐसा तो है नहीं कि हम जाके इंजेक्शन दे देंगे। जी समझ गया कि इसके लिए कोई निशाना निशाने की या गन चलाने की आपको ट्रेनिंग जी। तो इस तरह की ट्रेनिंग अब होती, उस टाइम थी नहीं इस तरह की ट्रेनिंग, कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं थे और बहुत कम ट्रेनिंग का कोर्सेज चलते थे इस तरह के। तो करते क्या थे कि जो हमारे पास गन पुरानी गन थी तो उससे हम क्या करते थे, यहीं पर प्रैक्टिस खाली टाइम में करा करते थे। जैसे हमारे पास पुरानी डार्ट पड़ी है, जो पुरानी सिरिंज पड़ी होती थी, उससे रेगुलर प्रैक्टिस करते थे कि जंगल में जब जाएं तो वो, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सिरिंज वगैरह भी कम हुआ करती थी, बहुत कॉस्टली अफेयर है ये, तो उसमें तो प्रैक्टिस यहीं पर करी हम लोगों ने। और एक आध कहीं कोर्स करने का मौका मिल गया 3-4 दिन 5 दिन का तो वो कोर्स कराते थे जाके, लेकिन कोर्स में बहुत प्रैक्टिस नहीं होती थी, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है उसमें, तो बहुत प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो ये जो प्रैक्टिस वाला था ये हम लोगों ने ही जू में करा पूरा अपना प्रैक्टिस का पार्ट पूरा। और ये जो आपका गन है या इक्विपमेंट्स जो हैं ये तो आपको हमेशा आपके टिप्स में होने चाहिए जी। कभी भी जी। गन से रोज हर महीने सफाई होनी चाहिए, होगी, उसका निशाने लगेंगे, बाकी जो इक्विपमेंट है मतलब कैमरा ट्रैप है, इसके अदर एसेसरीज हैं, सर्च लाइट है, जो भी चीज़ इसके साथ लगी है, ड्रोन है, कैमरा ट्रैप्स हैं,
जीपीएस है, तो इसको ये नहीं कि आप जब ऑपरेशन होगा तभी निकालेंगे जी। ये तो आपको हर महीने हर 15 दिन में आपको निकालना है, इसकी बैटरीज चेंज करनी है जी। इसके जो दूसरे लड़के आ रहे हैं उनको सिखाना भी है आपको, इसके बारे में बताना भी है जी। क्योंकि सारी ज़िंदगी तो मैं करता नहीं रहूँगा, अब धीरे धीरे एज हो रही है, मान लिया काफ़ी होगी तो धीरे धीरे रेस्क्यू करना। अब देखिए आप पिछले सैनरी उठाइए, बहुत धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? एक तो ट्रेंड आदमी हर जगह अवेलेबल है। पहले क्या था यूपी में, कौन कि हम ही हैं अकेले, हम ही हर जगह जा रहे हैं, यहाँ से लेके पीलीभीत भी भागे जा रहे हैं, दुधवा भी जा रहे हैं, चित्रकूट भी चले जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चले जा रहे हैं, तो आदमी नहीं थे। आज की डेट का सिनेरियो अगर उठाएं तो काफ़ी जगह कई रेस्क्यू हो रहे हैं इस टाइम यूपी में एक साथ जी। तो वहाँ पर कई डॉक्टर्स रेस्क्यू कर रहे हैं, ट्रेंड आदमी हैं वो कर रहे हैं वहाँ पर। मान लिया पीलीभीत में कर रहा है, कोई बरेली में कर रहा है, कोई सीतापुर में भी पहुँच जाया है, कोई दुधवा में है, तो काम काफ़ी बट गया है, डिसेंट्रलाइज हो गया है। पहले सेंट्रलाइज था और उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा हो गए। इधर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो मेरा काम का क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम हो गया है जी। एज के साथ धीरे धीरे कम हो गया है वो भी, और अब सपोर्टिंग हैंड बहुत हो गए। मान लिया पीलीभीत या दुधवा में कोई प्रॉब्लम होती है या मान लिया किसी, तो वहाँ पर डॉक्टर्स पहुँच जाते हैं। वो ज़्यादा ज़्यादा होता है कि अगर कोई उनको कोई अगर दिक्कत होती है तो फ़ोन पर, आज तो वीडियो कॉल कर लीजिए, फ़ोन पर बात कर लीजिए, तो इस तरह से हो गया। लेकिन प्रैक्टिस अभी भी ज़रूरी है क्योंकि आपको उसके टच में रहना, उसके साथ प्रैक्टिस करना, या नई जो ड्रग्स आ रही हैं, नए इक्विपमेंट्स जो आ रहे हैं, रोज ही रिसर्च हो रही है बाहर, रोज ही इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, तो उसके बारे में भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है आपको रेस्क्यू के लिए। क्योंकि जब आप अपडेट नहीं रहेंगे तो नीचे वालों को आप बता नहीं पाएंगे क्यों के, तो ये तो आपका हमेशा के लिए है प्रोसेस, आपको प्रैक्टिस में हमेशा रहना पड़ेगा। आपने आज तक मतलब आपका जो पहला एक रेस्क्यू था वो कौन सा था, और आप आज तक में मतलब कितने रेस्क्यू कर चुके हैं, और किन किन चीज़ों का, किन किन जानवरों का रेस्क्यू कर चुके हैं? देखिए मेनली जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो है लपर्ड्स के हैं जी। वो काफ़ी होंगे 35-40 के करीब लपर्ड, ज़्यादा ही होंगे क्योंकि हुआ क्या, हमारे पास कोई फोटोग्राफ या रिकॉर्ड या वीडियो उस टाइम बनती नहीं थी जी। तो पेपर में किसी ने कोई लोकल पेपर में छप गया कहीं पर तो ठीक है जी। तो वो कटिंग अगर है हमारे पास तो ठीक है, याद है जी। तो अपडेट करने की इसकी जो बात की, जब ये रेस्क्यू बहुत ज़्यादा होने लगे तब इसको अपडेट करने की कोशिश करने लगा मैं जी। कि इसको कम से कम अपडेट तो कर लिया जाए, लेकिन कई रेस्क्यूज़ जो है वो नहीं अपडेट हो पाए, नहीं रख पाए। फिर टाइगर्स हैं, काफ़ी टाइगर्स उस, और टाइगर के बाद थर्ड नंबर जो आता है वो एलिफेंट्स का बहुत आता है, क्योंकि एक टाइम पर यूपी में डोमेस्टिक एलिफेंट बहुत थे और अचानक वो वायलेंट हो जाया करते थे, मस्त में आ जाते थे, तो उनकी भी बहुत बड़ी फहरिस्त थी। हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे महीने एक नया एलिफेंट कोई दिक्कत देता था जी। जैसे डॉल्फिन का भी रेस्क्यू किया है, इधर राइनो गैंडा जो है उसका भी रेस्क्यू किया है जी। तो मेन जो अब टारगेटेड स्पीसीज देखिए, छोटे मोटे जो आपके डियर हैं या स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल है, इसको तो आप बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं तो जी। लेकिन आपको मेजर स्पीसीज जो है वो लेपर्ड की है, एलिफेंट्स थे, गैंडा है इसमें, राइनो है, टाइगर्स हैं, तो ये मेन स्पीसीज जो है जी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ ट्रैंगुलेशन में, जो आपकी कैट बिग कैट्स हैं टाइगर और लेपर्ड के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और बहुत मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है उसमें जो है, मतलब एक, और अगर कोई दूसरा एनिमल आता है तो मैं कहीं हेजिटेट करने लगता हूँ या मेरे अंदर थोड़ा सा, जैसे डियर्स हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उसमें, कर लूँगा लेकिन कंफर्टेबल, एक कंफर्टेबल जो होती है जोन होता है उसमें नहीं हूँ मैं, उसका जो है उसका थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है या मुझे दिमाग में कहीं परेशानी बनी रहती है जी। तो जो कंफर्टेबल स्पीसीज है वो लेपर्ड और टाइगर है, और सबसे ज़्यादा रेस्क्यू उसमें ही मैंने किया है जी। आपका पहला रेस्क्यू कौन सा था, सबसे पहला रेस्क्यू मैंने, क्योंकि वो पहले रेस्क्यू में आपने कैसे, क्योंकि पहली बार आप रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरीके से आपने ये सब? पहला रेस्क्यू जो था एक लेपर्ड का किया था मैंने, गोंडा में एक कुएं में गिर गया था, बिल्कुल नया नया था, मैं जू में आया था जी। तो एन सिंह साहब थे पुराने जो रेस्क्यू कर यहाँ पर करते थे, वो बेसिकली शूटर थे जी। तो उनके साथ जाने का मौका लगा था और कुएं में गिरा हुआ पैंथर था, तो उसको आप सीखने की प्रक्रिया कह सकते हैं कि मेरा सीखने की शुरुआत थी उस टाइम कि कैसे हमने उसको कुएं से निकाला, कैसे उसको पकड़ा। उसके बाद एक एलिफेंट एलडीए कॉलोनी है यहाँ पर आशियाना के पास, वहाँ पर एक एलिफेंट था, उसने अपने मालिक को मार दिया था जी। वो मस्त में था, वो हुआ तो दो इंसिडेंट्स मुझे याद हैं जो शुरुआत के थे और
मुझे बहुत टाइम लगा उसको रेस्क्यू करने में, और बहुत हेजिटेट कर रहा था कि मैं अगर इसको गन से दूंगा डार्ट तो ये मर ना जाए या कुछ और डैमेज ना हो जाए, तो बहुत उथल पुथल में दिमाग रहा। बिल्कुल आप सोचिए, रेस्क्यू जो है या ये इस तरह से, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जब आप सीख लेते हैं ट्रेनिंग स्कूल में, फिर भी आप जब मार्केट में लेके निकलते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं। रिक्शा वाला आ जाता तो यहीं ब्रेक लगा लेते हैं, फर्स्ट गियर से आप सेकंड गियर में डालते हुए डरते हैं, थर्ड गियर में तो आप ले ही नहीं जाते हैं, तो बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आप 120 पे चलाते हैं, फिर 100 पे चलाते हैं हाईवे पे। वही ड्राइवर वही था, पहले भी था, अब भी था। तो जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी स्थिति के लिए, तो आप बहुत कंफर्टेबली, आज बहुत कंफर्टेबली काम करता हूँ, टाइगर है, लेपर्ड है कोई। लेकिन शुरुआत की मुझे याद, बहुत कॉन्शियसली रहता था, 10 बार ड्रग की डोज में नोट करता था, 10 बार पेंसिल से उसको लिखता था, काटता था, पीटता था। मोबाइल थे नहीं, किसी से हेल्प नहीं ले सकता था तो, और पढ़ता बहुत था मैं, किताबें जो भी मिल जाती थी कहीं से भी, रेस्क्यू की या ट्रैंकुलाइजेशन की, उसको बहुत पढ़ता था, डीपली नोट्स बनाता था। तो वो एक, और वो मेरे ख्याल में वही जो बुनियाद पड़ी, वो आज कंफर्टेबल वही स्थिति लाती है, क्योंकि आपकी जो पुरानी मेहनत होती है वही काम करती है आज की डेट में आके। तो धीरे धीरे जो सीखने की, अच्छा मुझे फिर उसमें मज़ा बहुत आने लगा, ये तो नहीं कहूँगा शौक है, लेकिन मुझे जंगल में घूमने में, आप जैसे जंगल में ऐसे घुमाइएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन आप बताइए, प्रॉब्लमेटिक एनिमल है यहाँ पर, ये टाइगर प्रॉब्लम कर रहा है, लेपर्ड, तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब वो फिर मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि हाँ अब कुछ काम, मजा आया काम करने में। तो वो जो था, इस तरह कई ऑपरेशन देखे, जो ऑपरेशन रेस्क्यू हैं वो आपको वही पता है जो मैंने रेस्क्यू करे। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं बिना रेस्क्यू किए हुए सॉल्व हो गए। टाइगर है गाँव में घुसा, उसको धीरे से हम लोगों ने जंगल की तरफ कर दिया, कोई थ्रिल ही नहीं है आपको बताने में, आपको मजा ही नहीं आया सुनने में। लेकिन वो बेहतर रेस्क्यू है मेरा, क्योंकि एक टाइगर को हमने बिना पकड़े जंगल भेज दिया, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। मजा किस में आता है, जो सुनने में या हमारी कहानियों में या मैं बताऊंगा, जितनी डिफिकल्टीज होती हैं उतना आपको मजा आएगा। अगर आप जैसे आप कोई स्टोरी पूछिए मेरे से कि डॉक्टर साहब कोई स्टोरी बताइए, मैंने कहा कि एक लेपर्ड था, एक गाँव में घुसा था, वहाँ पर उसने एक लड़के को घायल किया, मैं पहुँचा, मैंने ट्रैंकलाइज कर दिया और ट्रैंकलाइज करके केज में डाल के मैंने जंगल में छोड़ दिया। आपको क्या कहानी सुना रहे हो यार, तो बेकार है कहानी। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि एक टाइगर था जो रात में एक कमरे में घुसा, उसने एक आदमी को उठाया और लेके भाग गया, और मैं उसके पीछे 2 महीने तक घूमता रहा। उसने 7 आदमी मारे, कैसे कैसे मारे, कहाँ मारे, किस तरह से छुपाओ, कहाँ हमने पकड़ा, पैदल हम कितना चले, एक बार हमला करते करते हम ही बच गए। इस तरह की जब कहानी होती है तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, जो थ्रिल आती है। लेकिन हमारे बेहतर काम वो हैं जो बिना, विदाउट रेस्क्यू हो गए, क्योंकि मेरी सक्सेस रेस्क्यू करने में नहीं है। मेरी सक्सेस ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, हमारी, कि हमको रेस्क्यू करना ही ना पड़े। अगर हमारे जंगल बेहतर हैं, हमारी सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू नहीं करना पड़ेगा हमें। और रेस्क्यू की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है, या ह्यूमन डेंसिटी वहाँ बढ़ रही है, या प्रे स्पीसीज कम है, कुछ ना कुछ है वहाँ पर। तो बेहतर वही है कि आप रेस्क्यू ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा। आपने भी, आप जो बात कर रहे हैं कि बिना रेस्क्यू के आपने उनको, एनिमल को डाइवर्ट कर दिया या पैंथर को डाइवर्ट कर दिया जंगल की तरफ, तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, किस तरीके? अभी भी करते हैं, अभी अब ये रेगुलर फीचर है। आप दुधवा या पीलीभीत जो जंगल के तराई बेल्ट है हमारी पूरी, उसमें चले जाइए। होता क्या है कि कभी कभी जानवर शिकार के लिए आया और वो अचानक उजाला हो गया यहाँ पर, या रोशनी होगी तो वो एक जगह फंस गया, ट्रैप हो गया, वापस जा नहीं पा रहा है। गांव वालों ने किसी तरह देख लिया, उसको मान लिया, तब वो फंस गया जानवर वहाँ पर, क्योंकि उसका जंगल अभी 20 किलोमीटर दूर था, वो शिकार के चक्कर में आ गया या ऐसे ही घूमता हुआ आ गया। हमें कोशिश ये करनी है, हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तकनीक है, कोशिश करते हैं कि उसको वो पैसेज दिया जाए जाने के लिए कि वो जंगल की तरफ चला जाए। जैसे हाथियों का इस्तेमाल करते हैं कि हाथी उस तरफ खड़े कर दें, या हम लोग उधर ज़्यादा मूवमेंट कर देते हैं, पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिस तरफ उसको नहीं जाना है, नहीं जाने देना, और उसको वो पैसे छोड़ना है हमको जिधर जंगल की तरफ वो जा रहा है। अगर वो दूर निकल आया है, ज़्यादा हमारे जंगल से दूर निकला, तो उसको हमने हल्का सा ट्रैंकुलाइज किया और जंगल के पास छोड़ दिया, वो अपने आप ही चला जाएगा, निकल जाएगा। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि वो अपने आप चला जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि नेचुरल वे में जाता है वो घूमता हुआ, और अचानक हम किसी को उठा के अगर डालते हैं किसी चीज़ में तो अननेचुरल थोड़ा सा हो जाता है। तो
कोशिश यही रहती है कि उस तरह से उस पर दबाव बढ़ाते हैं, उस तरह से उसको हम थोड़ा सा जो हमारे पास उस टाइम संसाधन रहते हैं, जैसे आवाज़ होगी, तेज़ आवाज़ हो गई या गाँव वालों की भीड़ हो गई, तो गाँव वालों की भीड़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरफ उनको खड़ा कर दिया हमने कि टाइगर या लपड़ उस तरफ ना बढ़े, दूसरी तरफ निकल जाए। जैसे शाम हो गई तो हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, जिसमें उसको रात के अंधेरा जो उसमें ज़्यादा देखने का मौका मिलता है, वो अच्छी विजुअल ज़्यादा देख सकता है, तो वो उस तरफ निकल जाता है जानवर। तो ये जो टेक्निक होती है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है किस हम टोपोग्राफिक एरिया में काम कर रहे हैं, पहाड़ है, नदी है, नाला है, गाँव कितने हैं, जंगल कितनी दूर है, तो कई चीज़ें करके कोशिश करी जाती है कि इनको हम यहाँ से हटा दें। तो वही है कि आप सेफ पैसेज देना है, बस रास्ता उसको देना है, वो अपने आप ही खुद चला जाएगा जी। तो हमारा काम है उसको रास्ता देना। डॉक्टर, आपने कई सारे रेस्क्यू किए हैं, जैसे आपने पैंथर किए हैं और एलिफेंट किए हैं, राइनोसॉरस किए हैं, डॉल्फिन किया है, तो इन सारे में सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा क्रिटिकल था, जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट आपके लिए रहा कि इनको पकड़ना, इनको रेस्क्यू करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, कौन से केस में ऐसा रहा था आपका? देखिए, जहाँ ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होने लगती हैं जी, जहाँ आदमी मरने लगते हैं, वो ऑपरेशन टफ होता चला जाता है जी। क्योंकि जब तक ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हो रही, कोई आदमी मर नहीं रहा है, तो क्या होता है, बड़ी शांति से काम हो रहा होता है जी। कोई हेजिटेशन नहीं होता, गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं हमको जी। यहाँ पहुँचे, पानी भी पूछ लिया गया जी। बैठा भी दिया, खाट भी डाल दी जी। लेकिन अगर ह्यूमन कैजुअलिटी किसी भी रूप में हो रही है जी। वो लेपर्ड कर रहा है, एलिफेंट कर रहा है या टाइगर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गांव वालों के सहयोग के बिना कोई रेस्क्यू इस तरह से हो नहीं सकता है, अगर वो आउट ऑफ द जंगल नहीं है, जंगल के बाहर है अगर, तो उसमें क्या होता है, अगर और वो प्रेशर गवर्नमेंट पे भी बढ़ता है, रेस्क्यू टीम पे भी बढ़ता है और गांव वालों पे भी बढ़ता है जी। तो ये जो ऑपरेशन इस तरह के होते हैं जहाँ ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होने लगती है या ह्यूमन मरने लगते हैं या बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, ये ऑपरेशन डिफिकल्ट होता चला जाता है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अगर हम रेस्क्यू नहीं कर पाते उस एनिमल को, ना हम भगा पा रहे हैं ना हम पकड़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन डिफिकल्ट होता चला जाता है। कुछ ऑपरेशन लंबे होते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते, जैसे काकोरी में टाइगर पकड़ा मैंने, मान लिया 2012-13 की बात है, वो 4 महीने ऑपरेशन चला, लेकिन बहुत ही सिक्योर एरिया में था, एक फार्म था उसके अंदर टाइगर था, तो उसको 3-4 महीने बाद पकड़ा, लेकिन कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई ह्यूमन का वह इंटरफेरेंस नहीं था, कोई मतलब बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर नहीं हुआ हम पे और आराम से पकड़ा। लेकिन अगर हम कहीं किशन की बात करें जो मैनिटर है, या हम कहीं मुस्तफ़ा की बात करते हैं, मुस्तफ़ाबाद का टाइगर था जी। तो वहाँ पर क्या था, सीक्वेंस में किलिंग हो रही, आज एक मार दिया एनिमल, या फिर दूसरे दिन आदमी मार दिया, फिर एक एनिमल मार दिया गाँव का, तो वहाँ पर क्या है कि जिधर जा रहे हैं वहाँ गाँव वाले हेजिटेट कर रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे जाने का, टाइगर की भी जान को खतरा है, गांव वाले सोच रहे इसको मार दें किसी तरह से हम, या जैसे मल्ला छेदीपुर का टाइगर था, तो ये इस तरह की जो होती हैं दिक्कतें वो परेशानी करती है, और ये लंबा ऑपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता चला जाता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर जंगल के अंदर एनिमल को रेस्क्यू करना है, ऐसे वो तो बहुत ही सिंपल और ईजी काम है, जंगल हमारा है, कोई बाहर से आना नहीं है, आप आराम से रेस्क्यू करिए अगर वो कुछ प्रॉब्लम है एनिमल में। लेकिन जब ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है यहाँ पर जी, जी। अगर वो मार्जिन पे है, ये जंगल है या गांव है, और यहाँ पर एनिमल है अगर, तो ये ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, और ह्यूमन अगर इन्वॉल्वमेंट और ह्यूमन कैजुअलिटी होती है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि एनिमल की जान को भी खतरा हो जाता है और हम लोगों को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर, आपने जो रेस्क्यू किए हैं 2006 में, ऐसा हुआ था कि आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ कैजुअलिटी आपके साथ में हुई थी, तो उस टाइम पे जब भी आपके साथ कैजुअलिटी हुई है, जब पहली बार कैजुअलिटी हुई, तो उस टाइम पे आपको डर नहीं लगा कि मतलब अब इस तरीके का है, क्योंकि आप पहले ही अपने साथ के जिनके साथ में आपने काम किया था उनकी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे आपको कुछ डर नहीं लगा कि जब फर्स्ट टाइम आपके साथ में ऐसा हुआ? देखिए, जब जू में आप काम करते रहते हैं यहाँ पर, तो जो एक रिफ्लेक्सेस हम लोगों के होते हैं, या जो जैसे अचानक यहाँ पर सांप निकला है तो हो सकता है आप डर जाएं, या भाई साहब जो खड़े हैं कैमरे के पीछे ये डर जाएं, हो सकता है मेरे में रिएक्शन ना हो कुछ जी। क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ उस चीज़ का, मैं उसको रोज़ हैंडल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वो जो एक हम लोगों को जो एक ट्रेनिंग मिल जाती है, अपने आप ही नेचुरल ट्रेनिंग मिलती है कि एनिमल जो है हमारे पास, रोज़ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं टाइगर का, लेपर्ड का, सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
तो एक हम लोगों को जो रिफ्लेक्सेस होते, दूसरी जैसे 2006 की जो आप घटना बता रही हैं, उसमें एक लेपर्ड था जो एक ट्यूबवेल में अंदर था, उसको पकड़ रहा था, तो अचानक वो निकला, उसने मुझे जो है पेट फाड़ दिया, पीछे फाड़ दिया, इंजर्ड कर दिया। तो उस टाइम मेरे दिमाग में डर, जितने भी हम लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो डर तो नहीं एक आता है, क्योंकि वो दिमाग में वो चीज़ आती नहीं। जब आप लोग पूछते हैं तब हो सकता है कि दिमाग में आए कहीं की डर, क्योंकि उस टाइम वो नहीं, डर की कोई बात नहीं होती। ऐसा नहीं कि बहुत बहादुर हैं ये जाबाज हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूज टू हैं, उसके रिफ्लेक्सेज में हमारे वो सम्मिलित आ गया है। जैसे आपने देखा होगा 11,000 की वोल्ट पे आदमी काम करता है, अब आप उससे मुझे डर लग रहा है जी। तो कहेगा नहीं तो रोजी का काम है यार हमारा है, 11,000 पे वो रोज पेज कस रहा है, वो रोज बना रहा है, अगर कहीं गलती से ऑन हो जाए बिजली तो उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे ऊपर। या कोई आप बोइंग चला रहा है, 800 यात्री बैठे हैं, वो 40,000 फुट की ऊंचाई पे 2 पैलेट ले जा रहे हैं जी। अब उनसे पूछो डर लग रहा है क्या जी। तो डर का सवाल नहीं होता है, वो उसके हैबिचुअल हैं, उसके हैबिट में पड़े हैं। तो वो है कि ऐसा नहीं कि बहुत बहादुरी का काम है, बहादुरी का नहीं काम है ये। आप उसके जैसे उसने इंजर्ड कर दिया, तो हमारे यहाँ इंजरी होती रहती है काम करते हुए जी। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कीपर को कम हो जाती है, कभी चोट लग जाती है, हमारे ही लग जाती है। तो वो जब आया उसने अटैक करा हम पे, तो उसके बाद जो है तो ये हुआ कि मुझे उस टाइम ये था कि अगर इसको अगर यहाँ से लेपर्ड को नहीं निकाला तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर जी। ये भीड़ लेपर्ड को मार देगी, मेरे दिमाग में था। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी कि अगर मैं ही इंजर्ड होके और लेट गया जी। तो ये तो पूरा ऑपरेशन कोलैप्स हो जाएगा जी। क्योंकि वहाँ पर मेरे अलावा कोई इसको बेहोश करने वाला तो है नहीं जी। ना इसको बेहोश कोई कर सकता है वहाँ पर, ना कोई टेक्निक जानता है जी। तो अगर मैं हटा जरा भी जी। तो ये तो गया जी। मार देगा इसको। तो थोड़ी सी हिम्मत और इंजरी थी, लेकिन उस टाइम जो 2-3 घंटे 5 घंटे काम करना था तो वो उतना मौका मिल गया मुझे। बाद में हॉस्पिटलाइज रहा मैं, लेकिन उतना मौका मिल गया मुझे। और फिर जो वहाँ पर कुछ गांव वाले विरोध में थे, लेकिन कुछ गांव वाले हेल्प भी कर रहे थे मुझे जी। और सबसे अच्छी बात हुई जब उन्होंने देखा कि इंजरी होने के बाद भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप ये कि 90% गांव वाले सपोर्ट में आ गए जी। जो हमको गाली दे रहे थे या हमको जो पहले कोस रहे थे बैठे हुए वहाँ पर जी। कितनी देर हो गई जी। तो जब ये हुआ कि नहीं अभी जो है कोई बात नहीं, मैं बोनेट पर खड़ा हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं अभी मैं काम ख़त्म करके जाऊँगा, तो वो अजीब रिएक्शन था उनका। फिर उन्होंने वो सपोर्ट में आ गए सारे, उन्होंने अपनी गाड़ी भी दे दी, पानी भी लिया है, डॉक्टर भी पता नहीं कहीं से पकड़ के ले आए, जो पट्टी उट्टी उसने बांध दी मुझे सारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग आपके साथ में, तो वो रिएक्शन था। तो डर जो शब्द है ये मेरे ख्याल में डर नहीं है, हैबिट में आपके आ जाता है। कुछ भी कुछ काम होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, और जो डर शब्द है वो दिमाग में आता ही नहीं आपके उस टाइम। ऐसा नहीं कि बहुत बहादुरी काम है, लेकिन वो चीज़ आप उससे उसके दिमाग में उसके बारे में सोचते ही नहीं है जी। तो ये उस टाइम का सीनरी ये हुआ था। सर आपको बहुत टाइम हो चुका है इस वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए, तो उस टाइम पे जैसे होता है ना कि हम बहुत टाइम से जब जुड़ने लगते हैं तो एक जानवरों की भाषा समझने लगते हैं, तो वो भाषा क्या है, मतलब किस तरीके से आप जैसे आप जब जज करते हैं यहाँ पे जू में भी जज करते हैं, तो आप कैसे पकड़ते हैं कि इनको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आप जान पाते हैं कि इनको क्या तकलीफ है या इनको कोई रिक्वायरमेंट है? देखिए ये जो है ये आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बड़े बड़े जो है लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं जी। असल में हुआ क्या है कि एनिमल बिहेवियर पे तो बहुत काम हुआ जी, एनिमल साइकोलॉजी पे बहुत कम हम लोग जान पाए जी। जैसे एक लेपर्ड के बारे में हम बता रहे हैं कि ये पूंछ जब दाएं बाएं हिलाता है, लिखा है किताबों में जी, तो ये अटैक करने वाला है। हाथी जब ऐसे कान कर लेगा तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, या बंदर आँख मीच रहा है तो इस तरह से करेगा, या डॉल्फिन ऐसी आवाज़ निकाल रही तो उसका मतलब ये होगा। तो हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उस चीज़ को, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि जो वो बता रहा है, वो जो हम बिहेवियर देख रहे हैं जी। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है, मैं सोचता हूँ कि ये लेपर्ड बैठा है मान लिया सुबह से, तो ये सोच क्या रहा है जी, इसके दिमाग में क्या चल रहा है जी, भाई कुछ तो आ रहा होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ना आ रहा हो जी। दिमाग है, ब्रेन आप खोल के देखिए तो ब्रेन बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा है, छोटा है, हमारा बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन सोच तो वही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अगर वो यूँ विजिटर को देख रहा है या किसी को देख रहा है तो कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा उसका जी। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट हो उसकी या वो शिकार करना चाह रहा हो। तो हमारे जू में मैंने यही देखा, जैसे एलिफेंट है तो बिहेवियरल स्टडी तो बहुत हुई है, लेकिन साइकोलॉजी स्टडी जो है
बहुत कम हुई है जी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें तोते का एक बाड़ा बनाना है मान लिया जी। अब आदमी की तरह आप सोचेंगे तो आप सोचोगे कि एक सनमाइका लगा दें इसमें, सुंदर सी एक अलमारी लगा दें जी। बहुत बढ़िया एक बैठने का बना दें जी। बढ़िया सा एक कुछ सुंदर से बॉक्सेस बना, लेकिन उसको इसकी ज़रूरत नहीं है जी। उसको चाहिए मिट्टी चाहिए जी। उसको पर्च चाहिए जी। जो डाल होती है जी। उसे पौधे लगे हों कुछ, उसको अमरूद चाहिए जी। ये सब चीज़ें चाहिए जी। जो चीज़ें हैं जी। लेकिन उसको ये इस तरह का कमरा नहीं चाहिए जी। जैसे हम जिस सेटअप में हम लोग बैठे हैं जी। ये हमारे लिए ये अच्छा हो सकता है जी। लेकिन उसके लिए नहीं अच्छा। जैसे मान लिया आपको लेपर्ड का बाड़ा बनाना है जी। और हम आदमी हैं, हम लेपर्ड की बिहेवियर नहीं, तो हम कहेंगे एक सोफ़ा लगा दो उसके लिए जी। एक सुंदर सा बेड लगा दो और स्टील की तश्तरी में उसको खाना दे दो जी। या उसके लिए जो है एक ट्यूबलाइट लगा दो, फैन लगा दो जी। वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा जी। उसको ज़रूरत नहीं है। उसको क्या ज़रूरत है कि बारिश में भीगता भी रहे, घास हो बढ़िया, बैठने के लिए एक वुडन कुछ लकड़ी का प्लेटफॉर्म टाइप का हो, तो वो उसकी जो नेचुरल नीड है वो ये है, साइकोलॉजी उसकी है जी। तो इस पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जो हमारे कीपर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सिखाया पुराने जिन्होंने 40-40 साल 45-45 साल यहाँ काम करा जी। तो कई कीपर्स थे वो बताते थे कि साहब ये भालू जो है इस तरह से देखिए कह रहा है, ये इसको ये समस्या है, या ये टाइगर ये कह रहा है, ये एलिफेंट देखिए मिट्टी खा रहा है आज, तो देखिए मिट्टी खाने का मतलब ये होता है, हैं ये आज बंदर जो है ये देखिए इस तरह से कर रहा है, या इसकी इसके जो है स्टूल में ये आज देखिए साहब आया है तो ये इसका देखिएगा ये होने वाला है जी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, या ये कॉर्नर में बैठा है देखे जाके नीचे नहीं उतर रहा है जी। तो हम कहते थे क्या हुआ, तो कहता था देखिए ये सब मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूँ कि ये जब कॉर्नर में बैठता है इसका मतलब जो है इसका जो है ये बच्चा डिलीवर करने वाली है, या इस तरह से कुछ एक स्पेसिफिक रीजन बताते थे। फिर उनको जो साइंटिफिक किताबें होती थी उससे मैं कोरिलेट करने की कोशिश करता था ये कहीं लिखा भी है कि नहीं लिखा है, तो कुछ चीज़ें मिलती थी कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी उसमें पढ़ने को, लेकिन काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आप इसकी साइकोलॉजी समझ पाएँ। पूरा एक जीवन अगर एक स्पीसीज में मतलब एक जानवर पे आप लगे रहे मेरे ख्याल में किसी टाइगर लाइन पे, तो आप शायद उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान सकते हैं। जब उसके साथ रहने लगे और उसी की तरह सोचने लगे तब बहुत मुश्किल काम है। आप बिहेवियर स्टडी तो कर सकते हैं, साइकोलॉजी कोशिश मेरी यही है कि इनकी मैं साइकोलॉजी पढ़ पाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं वाइल्ड लाइफ से। सर ये है कि अभी तो आप यहाँ पे जू में आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं रेस्क्यूज़ कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपका क्या प्लान आउट है? क्या आप इसी को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे या कुछ और आपके अलग प्लानिंग्स हैं? देखिए ये फिजिकल एक्टिवनेस का पूरा जॉब है। आप जू में तभी काम कर सकते हैं जब आप फिजिकली एक्टिव हों जी, या आप जो है रेस्क्यू तभी कर सकते हैं जब आप फिजिकली एक्टिव हों जी। ये शरीर है धीरे धीरे इसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे इसकी जो चीज़ें हैं वो डिक्रीज करती हैं 60 साल 70 साल 80 साल में जाके जी। तो मैं अपनी लिमिटेशन समझता हूँ कि मान लिया मैं 52 साल का इस टाइम हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो है हो सकता है कि मैं एडवाइस बहुत अच्छी दे पाऊँ एक समय पर, रेस्क्यू में एडवाइस दे पाऊँ या ट्रीटमेंट के बारे में बता पाऊँ। फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है कि आज नहीं आज से 10 साल बाद हो सकता है और स्लगिश करेगी कम करेगी। तो मैं जो काम फ्यूचर में करना चाहता हूँ कि एक तो जितनी स्टोरीज़ हैं वो मैं एक बनाना चाहता हूँ कि सारी मन में है, अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो अलग बात है, तो जितने भी इंसिडेंट्स हैं तो दो उसका पार्ट में लिखना चाह रहा हूँ। एक तो जू के बारे में लिखना चाह रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन अगर वो डॉक्यूमेंटेशन उसके पास हो, या जैसे हमारे कीपरों ने हमारे डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स पुराने हमको बताया है जी। तो वो अगर कहीं पर लिख के चला जाता हूँ मैं एज ए स्टोरी फॉर्म में जी। जिसमें पढ़े भी बहुत टेक्निकल ना हो जी। तो वो अगर कुछ उससे लाभ हो सकता है जी। या दूसरी तरफ अगर मैं मान लिया कि सनी चिंपांजी के बारे में लिखता हूँ, एक चिंपांजी था वहाँ पर, और पब्लिक उसको पढ़ती है उस किताब को पढ़ती है या उस स्टोरी को पढ़ती है, तो कुछ नहीं होगा तो कम से कम जनता जुड़ेगी वाइल्ड लाइफ से आके जुड़ेगी, एक भावनात्मक संबंध उनका हो सकता है कि बंदे जो विजिटर आए यहाँ पर देखने के लिए आए, या जो छोटे बच्चे हैं वो जुड़े उस कहानी को पढ़ के। दूसरी तरफ मैं रेस्क्यू की एक स्टोरीज लिखना चाहता हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ हुई, किस तरह से मैंने प्लान करा, क्या हमसे गलतियाँ हुई,
हम कोई काम हम दो दिन में कर सकते थे, हमको दो महीने लग गए, तो क्यों लग गए, क्या कारण रहे। तो वो एक स्टोरीज वो कंपाइल करना चाहता हूँ मैं, कि वो कहीं पर दो ये मन में है कि अगर ये समय मिला मुझे आने वाले टाइम तो वो मिलूँ। और दूसरी बात है कि मैं जितना कुछ जैसे जो भी दिमाग में है, गलत है सही है, जो भी सीखा है, वो कोई ऐसा हो कि जिसको मैं हैंड ओवर कर सके, बता सकूं कि इस तरह से इससे करो, कोई इस तरह का ही हम लोग जैसा आदमी या डॉक्टर दास की तरह कोई मिले तो उसको बता सकें कि इसको इस तरह से हैंडल करना है। बाकी तो बाकी मेन काम मैं यही समझता हूँ कि ये इस तरह से स्टोरीज और इस तरह से लिख के, कि ये इसलिए नहीं कि इससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा या मेरी किताब बिकने लगेगी, ना कुछ इससे कोई मतलब नहीं है पैसा कमाने से या इससे कुछ लिखने से। मुझे लगता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो दिमाग में मैं एनिमल के बारे में सोच रहा हूँ, वो जनता तक पहुँचे और जनता और बच्चे कहीं आने वाली पीढ़ी उससे जुड़े, जब वो जू में आए या किसी वाइल्ड लाइफ में जाए, नेशनल पार्क में जाए, तो उनको सनी चिंपांजी या टाइगर के बारे में जो मैं लिख रहा हूँ वो उससे कहीं जुड़ जाए, वो कनेक्ट हो जाए उससे जाके। अगर इतना काम हो जाता तो मेरे ख्याल मेरा काम काफी हद तक हो जाता। आखिर में हम चाहेंगे कि सर आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, और मैं चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ पे आज बात हो रही थी, तो कभी आप नेशनल पार्क या जू आए या किसी वन्य जीव से आप मिलें तो बस ये सोच के मिलिएगा कि इनके दिमाग में इनके सब भावनाएं और सब चीज़ें वैसी हैं जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम सोते हैं, हम जागते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जैसा हमारा परिवार है, उसी प्रकार से ये सब रहते हैं वन्य जीव। और अगर आप उनसे जुड़कर उनको थोड़ा भी स्नेह दे पाएँ तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी मानव जाति की। थैंक यू। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला से, जिन्होंने आज हमें वाइल्ड लाइफ से जुड़ी काफी सारी जानकारी दी। उम्मीद है आपको आज इनकी जानकारी काफी पसंद आई होगी, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।